वॉइस इज क्लियर? पर हैंड रेज कर दो। यू कैन हियर मी? की क्लियर सेक्शन? की सेक्शन कैन यू हियर मी? यस फाइन मैम, सी सेक्शन बिल्कुल ठीक है, अभी अभी बिल्कुल ठीक आ रही है। जी सेक्शन आपको फ्रीज हो गया है बेटा, प्लीज टेक हेल्प ऑफ टीचर। जस्ट अ मिनट बेटा, जी सेक्शन थोड़ा फ्रीज हो गया, इसको ठीक करते हैं। गुड स्टार्टिंग ओके। अदर चिल्ड्रन हु आर ऑल सिटिंग हियर, लेट अस रिकॉल कल क्या किया था हमने। आई हैव रिटन वर्ड्स ऑन द बोर्ड, ट्रांसपोजिशन, एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई। ट्रांसपोजिशन का रूल कौन बताएगा? जस्ट टेल मी द रूल। आज हमने क्वेश्चंस करने हैं आपके 8th के लेवल के, आपकी अपनी बुक के। इसका रूल बता दो जल्दी से, क्योंकि बिना रूल के कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। जैसे भी क्वेश्चन करना है उसका कोई रूल होता है, लॉजिक होता है, करने रीजन होता है, कोई स्टेप नहीं किया जाता। प्लीज रेज योर हैंड, ट्रांसपोजिशन का रूल क्या होता है? बिना रूल के हम कोई क्वेश्चन करेंगे नहीं। आई कैन सी 8 इन फर्स्ट गर्ल, यस प्लीज बता दो बेटा। लाउडली बोलो बेटे, थोड़ा सा लाउडली। मैम जो कॉफिशिएंट भी अपने पर वो एक्साइल और जो कॉन्स्टेंट है वो भी वो वेरी गुड। ट्रांसपोजिशन में हम नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करते हैं और उनका साइन जो है वो इन्वर्स कर देते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, प्रोडक्ट का डिवीजन, डिवीजन का प्रोडक्ट। सबको पता है कल हमने किया था। एलसीएम का रूल क्या है? हु इज टेलिंग मी व्हाट इज रूल ऑफ एलसीएम? बहुत बार निकालना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम मोस्टली। Please tell me the rule. Raise your hand. Very good. Volunteers, I want to see confidently who can tell. देख के बता दो, कोई बात नहीं। कल हमने इसमें लिखा था, just see, revise it and tell me. हम प्राइम नंबर के साथ ही बात करेंगे। Anybody from this section? अरे प्लीज नोटबुक खोलो अपने, इसी द नोटबुक कल क्या लिखा था, रूल मैंने लिखवाया था आपको। अगर आपने नहीं लिखा तो हम आगे चलेंगे। अभी आपको वो पहले सीखना है, उसके बाद आगे चलेंगे। बार बार आपके चैप्टर में गलती होगी, दैट इज नॉट डन, कोई फायदा नहीं आगे चलने। सी सेक्शन फर्स्ट गर्ल, टिक की बता दो, कोई बात नहीं नोटबुक से। Anybody of you? Don't have to see. Yes, beta. LCM divide by 5 bracket में denominator multiply by denominator. No, LCM divided by denominator. Please correct it. LCM को हमेशा denominator से divide करते हैं, answer आता है उसको multiply करते हैं numerator से. जिनको याद नहीं है अभी भी लिखो इसको, क्योंकि मैं बार बार आपसे पूछूंगी ये चीजें जब क्वेश्चंस में। व्हाट इज द रूल? क्या करते हो उसपे? दो चीजें आपके पास दी हुई हैं, मान लो ए बाय बी, दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं ए बाय बी और सी बाय डी। इक्वेशन को लाइक इक्वालिटी का साइन है, क्योंकि हमने इक्वेशन की बात करनी है। तो हाउ टू स्टार्ट?
क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हो? वेरी गुड। बी सेक्शन, एनीबॉडी फ्रॉम बी सेक्शन? हां सही आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई सो सिंपल। यस बी सेक्शन, द गर्ल वांट्स टू स्पीक। एवरीबॉडी लिसन कैरफुली। व्हाट वी डू? यस वेरी गुड। बी मल्टीप्लाई बाय बी। ऑफर बी मल्टीप्लाई बाय बी। बोलो यस। आप तीनों क्या कर रहे हो? कंप्लीट करो पहले, आगे बोलो, बैठ के बता दो। सी मल्टीप्लाई बाय बी। वेरी गुड। सी मल्टीप्लाई बाय बी। हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम डिनोमिनेटर को खत्म करते हैं क्योंकि हमने उसको सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। Left hand side is equal to right hand side की फॉर्म में। Our aim is to eradicate, to finish the denominator. Okay? जल्दी से लिख लो जिन्होंने निकल नहीं लिखे थे। हावर अभी इसको भी मैम कर सकते हैं। प्लस पर शिफ्ट करो माइनस एंड माइनस पर शिफ्ट करो प्लस प्रोडक्ट पर शिफ्ट करो। हां टाइम पे टाइम गिवन बड़ा बड़ा उल्टा हो जाता है दूसरे के। कल आपको बर्थडे था ना, यू आर नॉट सीरियस कि हाँ कि वो आपको लग रहा था कि प्रीवियस क्लास का है, चलो क्या लिखना है इसको। आपने पढ़ा हुआ है, आई नो यू हैव रेड एवरीथिंग, आपने यूज भी किया हुआ है। हाँ बोलना मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर क्वेश्चन गलत है राइट डाउन, इट विल टेक अ सेकंड। ठीक है फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका फोर्थ वाला अपने आप देख सकते हो, डिवीजन जब शिफ्ट होएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है कल भी मैंने लिखवाया था, दीज आर द रूल्स यू आर अप्लाइंग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी भी ना सारी कॉपी लेके आ जाओ। क्या करूं मैं? अगर आपको हाई करना तो उसको ऑफ कर दो। ई सेक्शन बेटे एवरीबॉडी नोटेड। ऑल द गुड चिल्ड्रन मस्ट हैव नोटेड हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। प्लीज रेज योर हैंड हु ऑल हैव रिटन। ओनली फैट लर्निंग। प्लीज योर हैंड, आई वांट टू सी। वेरी गुड। बेटा कल हमने किया था, यू ओनली टोल्ड मी द आंसर्स।
फ्रीज हो गया ना? हाँ जी, ओके ओके।
Everybody has written the rules. Till the time you can do assertion reason, till the time the other children are coming, read the statements. ठीक है, अपने आप रीड करो. जस्ट सी ट्रू फॉल्स की ऑप्शंस क्या क्या आएंगी. तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है. बाकी सेशन ज्वाइन कर रहे हैं विद इन अ मिनट. आप तब तक सेशन रीजन कंटिन्यू करो. गुड. बी सेक्शन. बाचा आपका रॉन्ग होगा तो ठीक कर लेना, हम साथ साथ अभी सारे डिस्कस करेंगे. अपनी नॉलेज से उसको करो ट्रू फॉल्स. जो जो भी आएंगे मॉड्यूल में लिख लो. एफ सेक्शन. यस. कई बार किसी फ्रेंड का डाउट होता है, आपस में एक दूसरे की हेल्प भी कर दिया करो. ठीक है, यू कैन करेक्ट ईच अदर. बट नॉट एट दैट टाइम. जब मैं पढ़ा रही हूँ तब नहीं, अदरवाइज. चलो एसेंशियल रीजन करते हैं. आई एम वेटिंग फॉर ए सेक्शन. ई सेक्शन इज कंबाइंड आई थिंक. ओके, फर्स्ट एसेंशियल रीजन हमारा था 2x plus 5 is equal to 3 is an algebraic equation. Who are saying true? Raise your hand. Yes, very good. C section. Yes, true. This is equation because equality ka sign hai. Everybody knows. Reason. An algebraic equation is an equality involving variable. Jisme equality bhi hoti hai, variable bhi hota hai. Theek hai? It says that the value of the expression on the one side of the equality sign is equal to the value of the expression on the other side. कल मैंने बताया था, बीच में जो हम इक्वल का साइन डालते हैं इक्वेशन में, जैसे कोई भी इक्वेशन आपके पास 2x plus 5 is equal to 0, तो कोई भी इक्वेशन है, सपोज यहाँ पे माइनस 7 है, कुछ भी. ठीक है, तो इक्वालिटी साइन हमें ये बता रहा है कि दोनों जो वैल्यूज हैं, अगर दोनों एक्सप्रेशन जो आसपास है इनकी वैल्यूज है वो सेम है. सो दिस शुड बी ट्रू और फॉल्स. ट्रू, रेज योर हैंड. ट्रू स्टूडेंट्स हु आर सेइंग ट्रू. यस, यू आर ट्रू. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज ऑल्सो ट्रू. बोथ आर रिलेटेड टू इच अदर. देर विल बी ए ऑप्शन. फर्स्ट की आपकी ए ऑप्शन आएगी. सेकेंड क्वेश्चन असर्शन. 3x square plus 6x plus 5, 7 minus 3x, x plus y plus z. अलग अलग आपको ये दी हुई है, expressions दी हुई है. These are algebraic equations. क्या ये algebraic equations है? Who are saying true? Raise your hand. क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं? ओके, हैंड्स डाउन. हु आर सेइंग नो, दीज आर नॉट इक्वेशंस? रेज योर हैंड. वेरी गुड. दीज आर नॉट इक्वेशंस बिकॉज बीच में इक्वालिटी का साइन नहीं है. ओके बेटा, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं होगी, उसका नाम चेंज हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन बन जाएगी. तो दिस इज फॉल्स. रीजन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की बात हो रही है अभी, ध्यान से देखना. इज एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ नंबर, वेरिएबल एंड अरिथमेटिकल ऑपरेशन. आपको दिख रहा है यहाँ पे 2x plus 5 की, अगर मैं अकेले की बात करूं तो एक वेरिएबल भी दिख रहा है, नंबर्स भी दिख रहे हैं, और बीच में ऑपरेशन भी दिख रहा है, प्लस का ऑपरेशन दिख रहा है, यहां मल्टीप्लाई का ऑपरेशन दिख रहा है. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. हु आर सेइंग ट्रू? रेज योर हैंड. एक्सेलेंट, गुड. दिस इज ट्रू. ऑप्शन विल बी डी. ऑप्शन फाइन. सेकंड क्वेश्चन डी ऑप्शन. किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी.
हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि आपके डाउट जो जो हमने कल पढ़ा डिस्कस किया वही सारा अभी एसेंशियलिज्म में यूज हो रहा है. ओके, थर्ड क्वेश्चन, एसेंशियल, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज टू. इक्वेशन आपको दी हुई है, आई एम राइटिंग इट हियर अगेन, आप लिख के देखो इसको. एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री. ठीक है, इक्वेशन तो ये है डेफिनेटली क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है, बहुत अच्छे से हमें दिख रहा है. अब प्रॉब्लम है कि दे आर आस्किंग कि इसकी डिग्री टू है. व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? यस, डी सेक्शन बेटा, यस आप बता दो बेटा जल्दी से, फर्स्ट बेंच पे जहां बैठे हो जल्दी से. व्हाट इज डिग्री? यस बेटा बैठ के बता दो, कोई नहीं उधर से बता दो बेटा. यस जिसको नहीं पता प्लीज ध्यान से सुनना, व्हाट इज डिग्री? जी सेक्शन से भी काफी हाथ मेरे को दिख रही है. यस गुड, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. जी सेक्शन, यू वांट टू सेव मी बेटा, थोड़ा डिफरेंट वे में बताना चाहते हो? दैट रेड टी शर्ट बॉय एंड येलो टी शर्ट दोनों ने हाथ खड़ा किया था. यस, एनीवन कैन कम एंड टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं. यहां पे आपको हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या दिख रही है? येलो टी शर्ट बॉय, यस जी सेक्शन, आई एम हैप्पी टू सी योर कॉन्फिडेंस. मैम टू टू दिख रही है ना? ओके सिट डाउन. एनीबडी एल्स जिसको टू के अलावा कुछ और दिख रहा है? यस डी सेक्शन, यू वांट टू चेंज द स्टेटमेंट? कोई आंसर कोई और है आपका टू के अलावा? ओके नाउ एवरीबडी लुक स्ट्रेट, टू इज नॉट अ करेक्ट आंसर. प्लीज सामने देखो सारे. वाई बेटा, यू कैन सी वेरी क्लियरली एक्स स्क्वायर दोनों चीजें आपस में मिलती हैं ऑन द इक्वालिटी साइन. इक्वालिटी साइन की दोनों तरफ जब सेम चीज होती है उनको हम कैंसिल कर देते हैं. सेम चीज मतलब वेरिएबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और उनका सेम साइन हो तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं. फ्रीली यू हैव यू नो अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी दी गई है कि अगर आपको इक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम चीजें दिखेंगी तो उनको खुद कैंसिल कर सकते हो अगर उनका सेम साइन हो. अब इसकी डिग्री क्या है? प्लीज टेल मी. यस डी सेक्शन, यस बड़ी बड़ी बता दो बेटा. फर्स्ट कर या मिडल रो? ओके ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. इज इट वन? इज इट वन? रेज योर हैंड. आई नो ये सबको दिख रहा है अभी. एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आई विल नॉट बी कॉलिंग. आपका वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है. डिग्री इज वन. प्लीज रिमेंबर, इसको एक स्टेप लिख लो यहाँ पे, थोड़ी रिकॉल इट कि इसकी डिग्री वन क्यों है. अब आप थोड़ी बड़ी क्लास में हो, सब कुछ बना बनाया सामने क्वेश्चन में नहीं होता, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, क्वेश्चन का स्टेप खुद बनाना होता है. आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया होगा कभी कुछ कभी कुछ. आपको अपनी सारी जो सिक्स में पढ़ा है सेवन्थ में पढ़ा है वो अपनी रूल्स अप्लाई करो और उसको आप अपनी मर्जी से स्टेप्स लिख सकते हो. अप्लाई करो वो नॉलेज जो आपने सिक्स और सेवन्थ में पढ़ी है. जो बच्चे टू लिखेंगे उसका रॉन्ग होगा क्वेश्चन क्योंकि बहुत क्लियरली दिख रहा है कि पावर सेम आपस में कैंसिल हो जाएगी. पावर सेम का मतलब जो आइडेंटिकल नंबर्स होंगे, जो लाइक टर्म्स होंगी. आपको सेवन्थ क्लास में पढ़ाया गया था लाइक टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में. लाइक टर्म्स का मतलब होता है जिनकी पावर सेम हो या फिर नंबर सेम हो. वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, उनकी पावर सेम है, वो भी लाइक है. दो नंबर है वो आपस में मिलते हैं, वो भी लाइक है. तो इसमें हमने क्या किया? लाइक टर्म्स को हमने आसपास कैंसिल किया एंड इसकी डिग्री आ गई वन. सो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. ये पूरा ही क्वेश्चन भी बन सकता है और आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है. फाइंड द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन.
ओके पेन अपने आपका चलना चाहिए कंटिन्यूअसली, बहुत सारी बातें जो मैं बता रही हूँ आपको लिखनी है, जल्दी से अपना पेन ना फटाफट चलाते जाओ करो, आई नीड नॉट से कि लिखो इसको, और जो आपने लिखा है उसके आगे स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट लिखो कि ये चीज आपको नहीं पता थी, जो चीज आपको नहीं पता थी उसके आगे स्टार लगाओ, कुछ नया सीखा आपने आज जिसको आप आगे भी रिवाइज करोगे, ठीक है बेटा। रीजन, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स इज अ वेरिएबल एंड ई एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकते हैं ई एंड बी, ठीक है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कल हमने कितने सारे इक्वेशन लिखे थे, कितने सारे एक्सप्रेशन लिखी थी, ठीक है। इज दिस अ स्टैंडर्ड फॉर्म ई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यस दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज ट्रू, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज ट्रू, एंड कभी कभी आप ऐसे भी इसको देखोगे, सी यहाँ पे क्या है कि आपके पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, तो आपको ये तो पता ही है कि एक्स की पावर मैक्सिमम वन होगी, इट कुड बी इन दिस वे ऑल्सो, ऐसे भी हो सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स माइनस डी हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों साइड पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स की पावर वन होनी चाहिए दोनों साइड पे, ठीक है बेटा। सो दिस इज ट्रू, सो ऑप्शन विल बी थर्ड की ऑप्शन क्या आएगी, डी, थर्ड की ऑप्शन डी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है बेटा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाता है, असर्शन रीजन होता है, कभी बैचिंग आ जाता है, तो आपका केस स्टडी में यूज होती है ये चीजें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन द रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 5/7, कल हमने कितनी सारी इक्वेशन सॉल्व की थी, इसको भी सॉल्व करो डूइंग द सेम वे। फोर्थ क्वेश्चन, इक्वेशन इज 3x इज इक्वल टू 20/7 माइनस एक्स, अब आपके पास तीन रूल है, ट्रांसपोजिशन पता है, एलसीएम पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है, जो मर्जी मेथड लगाओ इसमें, कल हम यस आई कैन सी हैंड्स, सी सेक्शन, गुड गुड गुड, यस क्विकली, जिन्होंने अभी पेन नहीं चलाना शुरू किया प्लीज राइट डाउन, बिना लिखे नहीं समझ आएगा, वेरी गुड, आई कैन सी मेनी हैंड्स, हु आर सेइंग ट्रू रेज योर हैंड, हु आर सेइंग 5/7 इज करेक्ट आंसर, जिनका 5/7 आ रहा है, जिन्होंने खुद किया है, यस वेरी गुड, दिस इज ट्रू, यस वेरी गुड, दिस इज ट्रू बेटा, रीजन पढ़ो बेटा, ई सेक्शन में अभी ज्वाइन करती हूँ बेटा, ये थोड़ा सा इसका रीजन, रीजन The value of the variable which makes left-hand side equal to right-hand side in the given equation is called the solution of the equation. दोबारा मैं पढ़ रही हूँ। The value of the variable, जो भी आपके पास x की value निकलेगी, अभी आपने बताया है कि यहाँ पे x is equal to 5/7 है। ये हमें क्या बता रहा है? X is equal to 5/7 हमें क्या बता रहा है? तो हमारे ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, आई वुड लाइक टू टेल यू इक्वेशन की ना एक डेफिनेशन लिख लो जरा, इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन ऑफ वेरिएबल, कंडीशन
ऑन वेरिएबल. वेरिएबल की एक कंडीशन होती है कि अगर x इज इक्वल टू ये होगा तो वो आपस में इक्वल होंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि x कुछ भी लगा दो. x की एक कंडीशन होगी कि अगर x ये हुआ तो दोनों इक्वल होंगे. इसका मतलब इक्वेशन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी. ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन थी, आपने बोला x इज इक्वल टू 5/7 आ रहा है. इसका मतलब 5/7 अगर मैं यहां लगाऊं और यहां लगाऊं तो वो इक्वालिटी का साइन रहेगा वहां पे. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगी. दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू और फॉल्स. वेरिएबल हमें क्या बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन में है. हु आर सेइंग ट्रू, रेज योर हैंड. Very good. This is true. So it is a option because दोनों match कर रहे हैं. What is true? Eighth pretty question. Any doubt till here, beta? Such a reason is clear. आपके पूरे chapter, जिस से इसमें juice पूरा जो भी आपने concept पढ़े ना चीजें पढ़ी हैं. That is all summary of all the rules, you know. Linear equation में जो जो आपने use कर रहे हैं. Come to case study question, बेटा. Aarti wanted her friend Radhika's mobile number. आप एक दूसरे का phone number लेते हो ना? कभी homework पूछ रहे हैं, कभी कोई doubt पूछ रहे हैं, चलो बातें भी करनी होती हैं. तो phone number हम एक दूसरे का पूछते हैं. तो Aarti wanted her friend Radhika's mobile number. बट राधिका प्लेड अ ट्रिक. राधिका को लगा कि नहीं, सिंपल फोन नंबर नहीं बताना चाहिए. शी प्लेड अ ट्रिक, ठीक है, ट्विस्ट किया इसको. शी गेव हर द नंबर एज, आपको दिख रहा है सामने, उसको बोला कि नहीं 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 ये नंबर शुड बी यू फाइंड योर ओन नंबर. शी रोट इन दिस वे 9x. अगर आपको इसको x को देखने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. कई बार वो क्रॉस को कई बच्चे उसको मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं. 9x, 1y, ओके, 5z, then 6p, tu, मेरा मोबाइल नंबर है. और करते जाओ और आगे उसका निकालते जाओ नंबर. वैल्यू आएगी उसको यहां लिख देंगे, वाई की वैल्यू आएगी वहां. ये सारे नंबर्स आपके पास आ जाएंगे और ये फोन नंबर बन जाएगा. ठीक है, यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टेकिंग फोन नंबर्स, यू नो, फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का. याद रखते हो ना फोन नंबर? ठीक है, फाइन. तो आपका स्टार्ट सॉल्विंग, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वन बाय वन. ए पार्ट में आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, बी पार्ट में वाई की वैल्यू निकालनी है, सी में जेड की निकालनी है. तो ऐसे ऐसे करके आपके पास सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे और आप उसमें फोन नंबर के अंतर को डाल दीजिए. आई कैन सी शुरू कर दिया उसको करना. दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. -3x इज इक्वल टू 6x -2x -3. सिंसियरली आप अपने आप करो. आई एम ऑल्सो डूइंग ऑन द बोर्ड. करने के बाद उसको मैच करना कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं. ठीक है, बिना देख देख के नहीं करना क्योंकि आपको अभी ट्रांसपोजिशन समझ आ चुकी है. आपको ये पता चल चुका है कि x वेरिएबल को हमने लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी नंबर्स को उठा के राइट साइड पे लेके जाना है. और अभी कई बच्चों ने हाथ भी खड़े कर दिए हैं. 2 मिनट वेट करो बेटा, सबको करने दो. हैंड्स डाउन 2 मिनट. इतनी देर में आप चेक कर लो कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. प्लस माइनस जो जो आपने ट्रांसपोर्ट किया उसकी वैल्यूज. वेरी गुड, हैंड्स डाउन 2 मिनट, सबको करने दो बेटा. सोच के, ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से करो. वेरी गुड.
लिप्सिंग किया करो, बोला करो। मेरा देखना नहीं है, डू इट योरसेल्फ एंड चेक फ्रॉम द बुक यू हैव डन करेक्टली और नॉट। क्वेश्चन था ये, किसका x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। इसका मतलब मेरा भी ठीक है, वेरी गुड, x इक्वल टू 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर में आपको एक और डिजिट पता चल गया कि यहाँ पे 9 के बाद 4 है, फाइन। एंड नाउ जो ई सेक्शन में अभी आके बैठे हैं, प्लीज कंटिन्यू योर क्वेश्चन, कंटिन्यू कंटिन्यू, यू आपको आता ही क्वेश्चन, ई सेक्शन परफेक्टली ऑलराइट, आई कैन सी यू बेटा, बैठ जाओ अभी, डू द क्वेश्चन, वेरी गुड। वी आर डूइंग बी पार्ट, वी आर टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ y, वेरिएबल y निकालना है अभी आपको, टेक केयर, इस पे ब्रैकेट है आपके पास, हाउ टू सॉल्व द ब्रैकेट। बाय, जब आप इसको नोटबुक में नोट कर रहे हो ना क्वेश्चन को, स्मॉल लेटर में कर लो उसको, ये बाय को आप स्मॉल प्रिंट करने में वो कैपिटल्स आए हुए, यस आई कैन सी हैंड्स, बट गुड। कल हमने डिस्कस किया था, पहले ब्रैकेट खोली है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया है, उसके बाद हमने उनको प्लस माइनस किया है। आई कैन सी हैंड्स, यस, ई सेक्शन फर्स्ट बॉय, यस, वेरी गुड, आई कैन सी योर हैंड, व्हाट इज वाई, जंप, कोई स्टेप अगर आप जंप कर रहे हो ना कि चलो हम एक और स्टेप आगे चले जाते हैं, देन यू विल फाइंड अ मिस्टेक ओवर देयर, स्टेप बाय स्टेप करो। आपने हाथ खड़ा किया था, नो, ओके, बी फर्स्ट बॉय, ग्रीन टी शर्ट, यस, वाई इज इक्वल टू 3, अपने आप करो, don't wait for the board to copy down, ek bar dobara se check karo calculation, section boy red boy, yes, aapne pehle bhi khada kiya tha, yes, aage aao beta, g section, yes, jaldi se batao aapko kya y is equal ma'am, y equal 7, y is equal to 7, see, correct, yes, down baaki ko bhi karne do, सेवन आ रहा है, वही हाथ खड़ा करेंगे, आपने ठीक किया अपना आंसर, जी वहां पे 3 नहीं 7 आना चाहिए, आपको ये अपना माइनस 7 बाय इट विल कम प्लस 9, तो इट इज कमिंग y = 7 आएगा, किस किस का y = 7 निकल चुका है अपने आप, जिन्होंने अपने आप किया, प्लीज टेक योर हैंड, आई वांट टू सी, एक्सीलेंट, सी बी सेक्शन रेड बॉय, बेटा आपको पता चल गया अपनी मिस्टेक, डन कर लिया आपने उसको, अदरवाइज यू कैन आस्क डाउट, खड़े होकर अपना डाउट पूछो कि वो 3 क्यों आ रहा है और 7 क्यों आ रहा है, सेवन का करेक्ट आंसर, पावर नंबर आ रहा है, प्लीज उसको एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लो, Thank you.
डाउट हो रहा है इसमें प्लीज x is equal to 4, y is equal to 7, z is equal to 0, t is equal to 4. Fast you have done. Okay. Okay. Z is equal to 4, 0 नहीं आ रहा, एक बार दोबारा चेक करो. T part. पर हम लास्ट ही करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग यू कैन डू एट होम फॉर प्रैक्टिस. ठीक है बेटा. तो z का 3 थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, क्योंकि ब्रैकेट जो आती है ना, फिर वो आपका एक एक्स्ट्रा साइन हो जाता है, उसमें साइन की गलती हो जाती है, स्टेप की गलती हो जाती है, बिकॉज ओपनिंग ब्रैकेट इज अ मेजर पार्ट. तो अभी आपने बताया मेरे को कि z is equal to 0 आ रहा है, तो मेरे जो और नंबर आना चाहिए, करते हैं इसको. यस आई कैन सी हैंड्स इन डी सेक्शन, लास्ट बॉय आई कैन सी हैंड. यस आगे आगे बता दो जल्दी से. डी सेक्शन बॉल के सारे बच्चे बैठे हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं, आगे आगे बता सकते हो आप. What is that coming? Five z minus eight z is equal to minus nine. Minus nine. Is it coming in this way? Z की वैल्यू किस किस की निकल गई है? रेज़ योर हैंड. Minus 18 by minus 3. That is equal to. इसका जेड इज इक्वल टू 6 आ रहा है, रेज़ योर हैंड. सिक्स इज द करेक्ट आंसर. ओके. And remaining I am leaving for you. आपको समझ आ चुका है, you can do at home and complete the number, okay? इसमें bracket खोलनी है और वहाँ पे keep करनी है transposition करके, उनकी values निकालनी है. T, P और U की value you will be finding at home. Rule आपको पता चल चुका है. Open the bracket, transposition and then go ahead. And जिस बच्चे ने मेरे को notebook दिखाई थी, उसने z is equal to 0 लिखा था, इस ब्रैकेट इट इज z is equal to 6. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पार्ट है क्यों आपने, यू विल बी डूइंग योरसेल्फ. सब कुछ समझ आ गया, अभी काफी बच्चों ने ठीक आंसर बताए हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग मॉड्यूल 2, जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं लीनियर इक्वेशन के, थोड़े से सिंपल इक्वेशन से चलते थे जो आपने सेवन में किए हुए थे. प्रॉपरली एट क्वेश्चन, एट क्लास वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी सॉल्व है. डोंट वरी, रूल आपके सेम लग रही होने, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन रूल आपका सेम रहेगा. स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके आपने आगे चलना है. We are going to do module 2 MCQ, first question. Module 2 MCQ, question number 1. ये MCQ question आपको पूरा का पूरा question notebook में करना पड़ेगा, and then you will be matching answer with the option. Oral करने वाले question बिल्कुल भी नहीं है ये. And pen. First question I'll be doing for you. Minus 6p minus 9 minus 3 is equal to p plus 9 divided by 5. अब ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो इसका बेटा. इनमें गलती बहुत ज्यादा होती है ऐसे क्वेश्चंस में. गलती कैसी होती है, आई एम गोइंग टू टेल यू.
हाथ नीचे कर, हैंड्स डाउन. मुझे पता है कई बच्चों को आता ही अच्छे से कर लिया होगा. हैंड्स डाउन, वेरी गुड. यू हैव डन द आंसर्स. ओके ओके ओके, यू हैव डन सो फास्ट. डोंट शो इट टू अदर्स. ओके, कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है. अभी यू कैन मैच ऑल्सो, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड लिसन टू इट केयरफुली. ऐसे क्वेश्चंस हम दो टाइप से कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप इज आई एम डूइंग बोथ द टाइप से. आप कोई ट्राई कर सकते हो. फर्स्ट थिंग इज यू कैन डू -6p/3, -9/3. ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसको ब्रेक करके अलग अलग लिख दो. ठीक है, and you can complete then -2p-3. आप क्या कर सकते हो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. आपका लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. सिमिलरली राइट हैंड साइड को आप कर सकते हो 2/5p+9/5. दिस विल बी योर राइट हैंड साइड. इसमें कुछ भी नहीं कट रहा, तो एज इट इज राइट. कुछ नहीं, ऐसे किया होगा अलग अलग करके. क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको -6p/5. क्योंकि और किसकी मेथड अच्छा लगता है राइट हैंड साइड वाला, जो मैंने अभी अभी क्रॉस मल्टीप्लाई वाला किया है. इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. किस रेशो हैंड जो बच्चे ये मेथड अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला. गुड. और जो बच्चे ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि साइन की मिस्टेक ना हो. यहाँ पे साइन आपको नेगेटिव साइन देखना बहुत जरूरी है कि माइनस किसके साथ है. Yeah, answer will be same, doesn't matter. Many children have done also. कर लिया पहले तो, हाथ खड़े करो. किस किसने कर लिया ये क्वेश्चन पूरा, तो आपको एक दूसरे से भी पता चल जाता है, बट किया किसने है पूरा क्वेश्चन. C section. That third bench boy, red t-shirt boy, yes. एग्जाम में
अदरवाइज ऑल्सो मेक इट अ हैबिट, जब भी एक क्वेश्चन को करते हो उसको क्विकली जैसे आपने देख लिया आपने खुद चेक कर लिया कि सारी कैलकुलेशन ठीक है फाइन, तो प्लीज गुड माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर, जिनका कुछ और आ रहा है प्लीज करेक्ट इट, एक बार दोबारा उसको रिव्यू कर ले। बच्चों ने कर भी लिया होगा एक बार क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपको इजी लगेगा, मेन आपके ये क्वेश्चंस इजी टाइप के ही आएंगे फोर्थ क्लास में, सॉरी एट क्लास में, 4x + 3 = 2। अब ये जो सिंगल 2 है ना राइट साइड पे ये भी कई बार ट्रबल करता है, क्या करते हैं इजी ऐसे ही जल्दी स्मार्ट क्लास 2 पहले 2 अपॉन 1 मेरे को अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर को हटाना है वहां से। I can see hand in the 8th G, you are doing very fast. Yes, more hands like this. Hands down, एक स्टेप कर दे दो, करना लास्ट का आंसर। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे लिखोगे आपको क्विकली याद आ जाएगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया था, तो उसका स्टेप करना आपको बहुत इजी हो जाएगा। 2 × 4x + 3 ये आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। अब आप ओपन ब्रैकेट करो, उसका ट्रांसपोर्ट करो, स्पेलिंग उसके क्या नाम साइन चेंज करो, व्हाटएवर। x = -2 = -2 the correct answer, correct, sit down। आप थोड़ा सा फास्ट कर रहे हो बेटे, काफी देर से आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, एंड आई मस्ट टेल यू कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, जैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाता है उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया करो, ना हो प्लीज और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैंने देखो क्लास में सबसे पहले बताया आंसर और मेरा ठीक भी था, बट कई बार छोटी सी गलती हो भी सकती है, हमेशा आप ठीक नहीं हो सकते, है ना। तो मेक इट अ हैबिट, क्वेश्चन दूर दूर ही है, x by 3 plus x by 2 is equal to
ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले तो फाइव तो कंफर्टेबल हो जाओ. की सेकंड आई कैन सी हैंड. यस यस बता दो बेटा. इज इक्वल टू एको सिक्स दिख रहा है इसमें. इज इट सिक्स. जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है प्लीज लुक एट द बुक. क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है ध्यान से इसको समझ लो. ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है एलसीएम. रूल अप्लाई करो. रूल जो मैंने कल बताया था आपको एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर. एलसीएम को मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया थ्री से. हाँ टू टू इंटू एक्स. एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया आंसर थ्री इंटू एक्स विल बी थ्री एक्स. अब आप सोचोगे नीचे वन लगाने की क्या जरूरत है. वन हमने इसलिए लगाया ताकि आपकी मिस्टेक ना हो. आपको याद रहे कि जहां भी जाना है और वो बनाने की वजह से आपका ये एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट. एरो आपको डायरेक्शन बताएगा कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट इक्वल टू 6 इनटू 5 इज इक्वल टू 30. ये आपकी बहुत अच्छी इक्वेशन बन चुकी है और आंसर आपके सामने है. ही टोल्ड मी आंसर आप बच्चों ने शायद मेरे से पहले कर लिया होगा. तो बच्चे नोट डाउन कर रही हैं प्लीज अंडरस्टैंड ऑल्सो. क्वेश्चन दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं. यस चाहो तो प्लीज खड़े होकर पूछ लो बेटा. और सब इसको नोट करो इसको. ऐसे नहीं अभी लास्ट क्वेश्चन करें. Doubt in third question. पहचान करो अक्सर आपके पास दो फ्रैक्शंस अलग अलग हैं. जैसे यहाँ पे थी पहले से फ्रैक्शन अलग अलग था. हमें एलसीएम ही एलसीएम यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा कि आगे चेक. जब भी टू फ्रैक्शन के एडिशन या सबट्रैक्शन आए वो बिना एलसीएम के क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा. I've seen paper. शुरू करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. 50% काम आपका उधर ही हो जाता है. क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कैसे करनी है बाकी आपको आता है आगे. जैसी इस टाइप की बनती है आपको बहुत अच्छे से भी समझ.
लिखते हैं की पोजीशन कहाँ पे है, टी माइनस टू डिवाइडेड बाय और जो फोर माइनस टी माइनस वन बाय फोर। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है ना बेटा आपकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपने इसको क्वेश्चन शुरू किया, नेगेटिव साइन जो ये वाला दिख रहा है ना आपको, याद रखना कि ये दोनों के साथ है। सिमिलरली ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ये भी दोनों के साथ है, प्लीज रिमेम्बर। बात करेंगे फिर ट्रबल यू अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो। टुमारो डोंट वरी, जो आज को Thank you.